वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज जो मुद्दा गंभीर पंथक पड़चोल की मंग करता है वो ये कि सिख इतिहासक शताब्दियां मनाने लई या किसी होर पंथक एजेंडे लई सरकारी ग्रांटां लेनियां चाहीदियां हन। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 400 साल प्रकाश उत्सव मनाने लई भारत सरकार ने पिछले दिनी 8 अप्रैल नूं प्रधानमंत्री की अगवाई हेठा एक वर्चुअल मीटिंग की, जिस विच कई सिख विद्वान, सियासतदान, सूबियां दे मुख्यमंत्री, अकाली दल बादल सने, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर के प्रधानां ने शिरकत की। सब ने अपनी अपनी राय दित्ती, सुझाव रखे। सिख धिर दा मीटिंग विच शामिल होना कोई गलत नहीं, गलत है सही गल ना करनी, गलत है पंथक समागमां लई सरकारी ग्रांटां दी झाक रखनी। गुरु साहिबाना दा समागम कोई भी मनावे, किसे नूं कोई इतराज़ नहीं, इतराज़ होना भी नहीं चाहिदा जद तक पंथक परंपरावां दा माण सत्कार बरकरार रहिंदा है। पर जे सिखां ने इस दा हिस्सा बनना है तां सिख लीडरशिप नूं इह समझना जरूरी है कि इन्हां सरकारी समागमां दे पिछे मनशा की है। ये किसी श्रद्धा या सन्मान करके किए जा रहे हैं या किसी रणनीति के तहत, मंशा कल्याण की है या सियासत की। गल ये नहीं कि सरकार बीजेपी की है तो गलत, कांग्रेस की होंगी तो ठीक सी या किसी होर दी। गल है पंथक खुदमुख्तियारी की। ग्रांटा के नाते पंथक सरमाए की लुट होंगी। सरकारी ग्रांटा पंथ का भला नहीं कर दियाँ बल्कि सियासतदाना का भला कर दियाँ ने, उन्हां दियाँ कुटिल चालां नूं सरअंजाम दिंदियां हन। इस सच्चाई तो हर कोई वाकिफ है, साडे लीडर भी अनजान नहीं हैं, पर शायद वगदे दरिया दा रस माणन दा लोभ जां फिर बिरती दा मेल है। कुड़ियार कुड़ियारी जाए रले नाल ओह वी जा रलदे हन। शायद इसे लई इस मीटिंग दे विच सिख लीडरशिप वल्लों ओह नहीं कहा गया जो कहा जाणा चाहीदा सी। किसे ने नहीं कहा, प्रधानमंत्री जी जे तुसीं श्री गुरु तेग बहादुर साहिब की यादगार मनाउणा चाहुंदे हो तां सब तो पहला जम्मू कश्मीर विच्चों जिस पंजाबी नूं तुसां अलविदा कहा है उस नूं बहाल करो, कश्मीरियां दे मनुखी हक बहाल करो। गुरु तेग बहादुर साहिब जी की यादगार पंथ बना लवेगा तुसीं सिर्फ इन्ना करो कि गंगू मठ, गुरद्वारा डांगमार, ज्ञान गोदड़ी, हरिद्वार, इत्थे जो सिख यादगारां ढाईयां गईयां हन जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है उन्हां नूं पंथ नूं वापस करवाओ। तुसी गुरु तेग बहादुर साहिब जी का संदेश प्रचारना चाहुंदे हो तां पहला गुरु नानक साहिब जी दे उस संदेश जो उन्होंने जगन्नाथपुरी विखे, जो उन्होंने हरिद्वार विखे दित्ते सन, जिस दे विच कर्मकांडां दा खंडन किया गया सी, उन्हां दी यादगारां पंथ नूं बणाउण दिओ। पहला RSS दा ओह लिटरेचर जो सिख गुरु साहिबाना दी तस्वीरां नाल छेड़छाड़ करके उन्हां नूं हिंदू देवी देवतियां दी तस्वीरां नाल दिखाउंदा है, गुरबाणी अते सिख इतिहास नूं विगाड़ के पेश करदा है, उस नूं बंद करवाओ। पर ये सब किसी ने नहीं कहा। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने तो अपने पास किए हुए मते का जिक्र भी उत्थे नहीं किया। घटों घट उही मंग लैंदे कि प्रधानमंत्री जी गुरु तेग बहादुर साहिब जी की यादगार विच इस तों वड्डी यादगार की हो सकती है जेकर सरकार सज़ा पूरी कर चुके जेलां कट रहे सिंघां नूं तुरंत रिहा कर दे, किसान आंदोलन करके गिरफ्तार होए लोकां नूं बाइज्जत बरी कर दे, सरकार तीन काले खेती कानूनों नूं तुरंत वापस लैके हिंदुस्तान की किसानी नूं राहत दे। श्रोमणी कमेटी ने यह भी नहीं किया। ये उही श्रोमणी कमेटी है जो एक हफ्ता पहला 1 अप्रैल नूं RSS दे हिंदू राष्ट्र बनाउण दे खिलाफ मते पास करदी है अते 2 दिन बाद उसे दी ही सरकार दे कोल जा के पंथक प्रचार की मदद मंगदी है। जिस RSS नूं तुसीं पंथ विरोधी कहिंदे हो उसे RSS दी सरकारी धिर तों तुसीं पंथक प्रचार की मदद मंगदे हो, किस नूं बेवकूफ बना रहे हो, कित्थे है तुहाडा खालसाई अखलाक? शायद असी सिख इतिहास तो रोशनी नहीं ली जो स्पष्ट से देंदी है
कि पंथक कार्यां लई सरकारी ग्रांटां लैणियां चाहीदियां हन जां नहीं। की है सिख इतिहास? 1598 जद अकबर बादशाह पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं मिलण लई गोविंदवाल साहिब आया, उसने गुरु घर दे लंगर लई बहुत सारी जागीर देनी चाही, पर गुरु जी ने गुरु घर लई किसे तरह की मदद लैण तो साफ इनकार कर दिता। पर नाल ही उन्हां बादशाह तो मंग कीती कि जे वह मदद करना ही चाहुंदा है तो आम आवाम जो काल पैण करके दुखी है उसका मालिया ही माफ़ कर देवे, जिस तरह अज करोना नाल जनता त्राह त्राह कर रही है। खैर, अकबर ने गुरु साहिब की गल मनी, लोगों का मालिया माफ़ किया। इस नाल ना सिर्फ अकबर की नीयत परखी गई बल्कि गुरु घर किसी तरह के शाही एहसान या दखल अंदाजी तो भी सुरखरू रहा। गुरु साहिब का यह फैसला सिखा लई सबक है। पंथक खुदमुख्तियारी लई अते सरकारी खजाने का लोक भलाई लई सदउपयोग लई यह फैसला सिखा की आज़ाद हस्ती कायम रखण लई लाजमी है। इस दे संदेश सानू समझ लेने चाहिए हैं। पहला, पंथक कार्यां लई किसे तरह ते भी सरकारी पैसे की वरतों नहीं की जानी चाहिए। दूजा, जद भी अजिहे मौके आउण जां कोई ऑफर आवे तां सिख लीडरशिप नूं आम आवाम दे दुखां दे निवारण लई सरकार नूं कहना चाहिए है। इस नाल एक तां पंथक मसलियां विच किसे तरह की सरकारी दखल अंदाजी तो बचिया जा सकेगा, पेशकश करन वाले की नीयत परखी जाएगी, सरकारी खजाने का सही उपयोग आम लोगों की भलाई लई किया जा सकेगा। गुरु साहिब जानते सन कि संगत के दसवंध नाल ही पंथ का भला हो सकता है, पंथ चढ़दियां कला विच जा सकता है। किसे तरह का सरकारी पैसा पंथ नूं कोझियां चालां जहालत अते गुलामी वल ही धक्केगा। नतीजा असीं पहलां भी देख चुके, सरकारी ग्रांटां ने कदे भी पंथ का भला नहीं किया। भारत की वंड तो बाद जिन्नियां भी शताब्दियां सिखां ने मनाईयां, अज सानूं लोड़ है ये लेखा जोखा करन दी कि जिन्नियां भी शताब्दियां पंथ ने मनाईयां, खास तौर पर भारत की वंड के बाद, उन्हां दी की प्राप्ति हुई। इन्हां शताब्दियां दे मनाउण नाल कि गुरसिखी सोच प्रफुल्लित हुई है, कि खालसई जाहो जलाल वध्या है, ये पड़चोल सानू करनी पवेगी, निघार के कारणों नू घोखना पवेगा। शायद अजे तक ये हकीकतां सानू नहीं दिसदियां जां निजी स्वार्थ सानू देखण नहीं देंदे, पहला ही असी बहुत बेआबरू हो चुके हैं। जेकर हुण भी गुरु साहिबाना वल्लों पाए पूर्णियां तो सबक ना सिखिया तां पल्ले कुछ भी नहीं रहना। तुहाडी की राय है, अपने विचार दिओ। जेकर तुसीं चाहुंदे हो कि इस मुद्दे ते वध तों वध पंथक पड़चोल होवे, पंथ अणख अते गैरतमंद परंपरावां नू अगे तोर सके, तां इस नू वध तों वध शेयर करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। सच सुनाई सी सच की।